सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें हम वीकली जो है एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था पिछले वीक में, ठीक है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर 2018 को हुए, ठीक है, कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर और अमीन और सहायक भंडारपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 अक्टूबर को। तो उस पेपर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बात करें अरबी की, तो अरबी भाषा के शब्द जैसे औरत, औलाद, ठीक है, ये जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। और पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली की भाषा के शब्द हैं जैसे अलमारी, ठीक है, अलमारी। और आपसे पूछा जा सकता है तुर्की भाषा के शब्द, तो तुर्की भाषा के शब्द हैं उर्दू, ठीक है, लेकिन उर्दू भाषा है, लेकिन उर्दू शब्द जो है तुर्की से भाषा का शब्द है, ठीक है। उर्दू, कैची, ठीक है, कैची, तमंचा, तो ये जो शब्द हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। आपको ऐसे ही शब्द याद रखने हैं कि कौन सी भाषा से कौन सा शब्द हिंदी में है आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बड़ों का आदर करते हैं इस वाक्य का प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर हम बड़ों का आदर करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इच्छार्थक जो है यहाँ पर कोई इच्छा हो रही क्या, हम बड़ों का आदर कर रहे हैं, इच्छार्थक नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए संकेतार्थक, तो यहाँ पर हम संकेत दे रहे हैं क्या किसी को, नहीं दे रहे हैं संकेत, ठीक है। आज्ञार्थक, हम किसी को आज्ञा भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा निश्चयार्थक, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, निश्चयार्थक। क्वेश्चन नंबर थ्री है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डरी के मन का फेर, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार आपसे पूछा है, तो इसमें जो है यमक अलंकार है। क्यों है यमक अलंकार, क्योंकि एक शब्द जो है ये फेर जो है ये बार बार आ रहा है और इसका जो अर्थ जो है अलग अलग है, ठीक है। जब भी कोई शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जब कोई वर्ण बार बार आता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, अनुप्रास में जब कोई वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है और यमक में जब कोई शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है। तो यह यहाँ पर यमक अलंकार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सेना का प्रायोजी है, तो सेना का प्रायोजी क्या है, कटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाश सही क्रम है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निहार, निर्जा, रश्मि, संध्या गीत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द्रौपदी का चीर होना मुहारे का अर्थ है, तो इसका मुहारे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक विस्तृत होना, ठीक है, अत्यधिक विस्तृत होना जो है द्रौपदी का चीर होना मुहारे का अर्थ है। आपको मुहारे भी याद रखने हैं, एक क्वेश्चन मुहारे से भी पूछा जाता है यूकेएसएससी के एग्जाम में। अगला है, अनुसर को कहते हैं, तो अनुसर को क्या कहते हैं, अयोग्य वाह, ठीक है, अयोग्य वाह सर ऑप्शन नंबर सी। देखिए दो होते हैं, एक होता है अनुस्वर, दूसरा होता है, सेकंड होता है अनुनासिक, ठीक है। अनुसर क्या है, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, गंगा, ठीक है, जहाँ पर जिसके ऊपर एक बिंदी आती है, ठीक है, ये क्या होता है, अनुस्वर। और अनुशासिक क्या होता है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आता है, ठीक है, ये क्या होता है, अनुशासिक। अब इनको अयोग्य वाह क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो ये स्वर में आते हैं ना ही ये व्यंजन में आते हैं, ठीक है, ना ही ये स्वर में आते हैं ना ही ये व्यंजक में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको अयोग्य वाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अढ़ो और अढ़ो। देखिए दो ही उत्क्षिप्त व्यंजन है वर्णमाला में, अढ़ो और अढ़ो। ठीक है, आपको याद रखना है ये दो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये दो याद रख लेने हैं, आगे भी आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। अगला है, असूर्य पश्चात शब्द का अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने डिलीट कर दिया था, तो इसका जो राइट अर्थ होता है जिसने सूर्य को भी ना देखा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था, इसके जो ऑप्शन थे जिसने सूर्य को भी ना देखा हो उसको कहते हैं असूर्य पश्चात शब्द। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। ठीक है, अब देखिए ये आप खुद ही ट्राई कीजिए, जैसे बाल होता है, ठीक है, बाल का हम बहुवचन कर सकते हैं, बालों कर सकते हैं, आँख का आँखों कर सकते हैं, आंसू का आंसुओं कर सकते हैं, लेकिन क्या जनता का जनताओं कर सकते हैं? हम नहीं, जनता को हम बहुवचन में जनता ही कहेंगे। ठीक है, अगला है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है इसमें? तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवाहन का विलोम शब्द है, तो आवाहन का विलोम है विसर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोगति का उपसर्ग है, तो अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? अधो उपसर्ग है। ठीक है, तो कि आपको जब उपसर्ग ज्ञात करना होगा तो इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, संधि विच्छेद करने पर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अधो नहीं है, ठीक है, अधो उपसर्ग नहीं है, अधो उपसर्ग है। ठीक है, इससे पहले आप संधि विच्छेद कर लीजिए, इससे आपको उपसर्ग ज्ञात करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, तो एक सड़क 57 गलियां जो है शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव कौन सा है यहाँ पर? तो काज जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आपको पता होगा तत्सम जो होता है, तत्सम वही शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और उनमें परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही हैं। और तद्भव क्या होते हैं? जिनमें जो है आम बोलचाल में हमारे जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे काज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी युक्त कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तरुच्छया। सेवेंटीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है, तो करण कारक कहाँ पर आता है? देखिए करण कारक वहाँ पर आता है जहाँ पर से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा आए वहाँ पर करण कारक आता है, तो इसमें से कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहाँ पर जो से आता है, से कारण कारक जो होता है वो करण के लिए होता है। ठीक है, अगला है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें व्यंजन संधि है, तो इसको हम जो करेंगे उत प्लस चौ। ठीक है, तो ये क्या होगा? उच्चा। ठीक है, इससे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वर्ण व का उच्चारण स्थान है, तो वर्ण व का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ण व कौन सा व्यंजन होता है? ये होता है अर्धस्वर, अर्ध स्वर। क्यों होता है अर्ध स्वर? क्योंकि ये जो है स्वरु से मिलकर ही बना होता है। अपने यण संधि पढ़ी होगी, ई प्लस अगर हम कोई भिन्न स्वर आए जैसे ओ, तो क्या बनता है? वो। तो वो जो है स्वरों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं, इसको व्यंजन न करके अर्धस्वर में आता है, तो आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछा जा सकता है अर्धस्वर कौन सा है, तो यहाँ पर व और य जो है अर्धस्वर है।
अगला है मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही कौन सी है, बिहारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में बोली जाती है मगही, मगही और मैथिली, ठीक है, मगही आपको याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकों का कौन सा समुच्चय इस समुच्चय जैसा है, तो यहाँ पर समुच्चय दिया आपको 48, 24 और 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए 48 का आधा होता है 24, 24 का आधा होता है 12, तो ऐसा ही आपको समूह देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, 40 का आप करोगे तो आप 20, और 20 का आधा होता है 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, सेम स्टेप जिसमें फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी, तो IMA की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 में, ठीक है। बात करें भारतीय सैन्य अकादमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर 2015 में, ठीक है। देखिए 31 अक्टूबर 2015 को जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान की शुरुआत हुई थी, तो ये कब हुई थी, 31 अक्टूबर, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है 2015 को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, उनके 140वीं जयंती पर यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है 31 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, एकता दिवस, ठीक है, एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती होती है इस दिन, तो इसलिए एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक यूनाइटेड इंडिया या भारत का एकीकरण करने में जो है अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने जो है भारत के 565 लगभग रियासतों को एक करके पूरा भारत बनाया था, ठीक है, तो इसलिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलाइड, ठीक है, मंगोलाइड से संबंधित है भोटिया जनजाति। 25वां क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के विरुद्ध होने वाले संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना, ठीक है। यदि संविधान के विरुद्ध संसद के कानून, कोई संसद पर कानून पारित किया जाता है, तो उसको जो है असंवैधानिक घोषित करना जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो इस समय थे हेनरी रैमजे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनका कार्यकाल रहा था 1856 से लेके 1884 तक, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा था। और इनके बात करें तो हेनरी रैमजे की, तो इनका जन्म हुआ था 1816 में, 1853-93 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। या आपसे भी अगर ये पूछा जा सकता है आप नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में, जब 1880 में, ठीक है, 1880 में जो है नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो उस समय जो थे कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए, कोई भी घटना पूछा जाए 1856 से लेके 84 तक की, तो उस समय जो थे हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे, तो आपको याद रखना है। अगला है, आवयु के स्थान पर क्या आएगा, अगला है आवयु में एक्स के स्थान पर संख्या होगी, तो देखिए 7 का क्यूब किया जा रहा है, पर 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 प्लस 27, तो ये हो गया 370, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले में भी है, 6 का क्यूब जो होता है 216, और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो गया 224। तो यही सेम इस है, थर्ड में भी आपको बताना है एक्स का क्यूब, तो क्या होता है 730 है, तो 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 1 का क्यूब होता है 1, तो ये हो गया 730। तो मतलब यहाँ पर ऐसा है, तो 9 का क्यूब होता है
729 प्लस 1 का क्यूब होता है 1, तो ये आ जाएगा 730। ठीक है, तो x के स्थान पर आएगा 9, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, तो आपसे यहाँ पर शैली पूछी है बद्रीनाथ मंदिर की। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है मुगल शैली में, ठीक है, मुगल शैली में बना था बद्रीनाथ मंदिर। और आपको बताना उत्तराखंड शैली में कौन सा मंदिर बना है, तो उत्तराखंड शैली में बना है यहाँ पर, जिसे कोसी में जो मंदिर है, ठीक है, कोसी में है कटारमल मंदिर, तो ये जो है उत्तराखंड शैली में बना हुआ मंदिर है। अगला है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान प्रसिद्ध है, तो दे छत्तीसगढ़ की जो बैलाडीला खान प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोहे के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान। बात करें अदर ऑप्शन की, देखिए अभ्रक की बात करें तो भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी खान कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन कहाँ पर होता है अभ्रक का, तो होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का यहाँ पर उत्पादन होता है। बात करें कोयले का, तो कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, तो कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में होता है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन। तांबे की बात करें तो तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन होता है एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। अगला है, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मौलाराम की कृति को जो है प्रकाश में लाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3100 क्वेश्चन है, पिट इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो पिट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784 में, ठीक है, 1784 में पिट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। क्यों हुआ था, देखिए 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर 1784 में पिट इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसका नाम पिट इंडिया एक्ट इसलिए था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर, ठीक है, विलियम पिट के नाम पर ये इसका नाम पिट इंडिया एक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था, तो उस समय जो था कुमाऊं में जो था ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है कत्यूरी राजाओं की, ठीक है, कत्यूरियों का जो है अंतिम शासक जो था वो था ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है, इसमें कहाँ पर गलती है, तो इसको बाद में यूकेएसएससी ने डिलीट भी कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया है, और यहाँ पर क्या होता है 3 का क्यूब 27 प्लस 2, 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66 होना चाहिए था, यहाँ पर 666 होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर है 5 का क्यूब प्लस 2 125 प्लस 2 127, वैसे ही फिर इसका आंसर होता है 6 का क्यूब 216 प्लस 2 218, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। लेकिन जो है यूकेएसएससी ने ये डिलीट किया था, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट था, एक नंबर मिसिंग था, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगला है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम को लागू हुआ 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। बात करें पंचायती राज अधिनियम की, तो पंचायती राज भारत में अधिनियम कब लागू हुआ भारत में, 1993, ठीक है, 1993 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो अगला रजनी का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 9 × 3 27, देखिए बीच में आप देख 27 देख सकते हैं, 8 × 2 16, तो ऐसे ही आपको देखना है 10 × 5 यहाँ पर 50, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर का क्वेश्चन है, गुरखा शासन के समय शुद्ध अवसरों पर शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या नाम था, तो इसका नाम था टीका भेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
37 नंबर का क्वेश्चन है, टॉमकैट है, तो टॉमकैट क्या है, एक वेब सर्वर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी 2002 में, ठीक है, 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला है, मिराई तोवा है, तो मिराई तोवा जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक का जो है शुभंकर है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का मैस्कॉट है मिराई तोवा। देखिए अभी तो पोस्टपोन हो गए हैं 2021 के लिए टोक्यो ओलंपिक, जो कि जापान में होने थे, और इसका शुभंकर था मिराई तोवा। अगला है, कत्तूरी प्रशासन में तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था, तो कहा जाता था कर्मांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में भूमि को बांटा गया है, तो आईने अकबरी में जो है चार भागों में बांटा गया है, ठीक है, और आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, लगभग 16वीं सेंचुरी में अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी लिखी थी, इसको अकबरनामा भी कहा जाता है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, गौरा देवी को ब्रिक्स मित्र पुरस्कार कब दिया गया, तो है 1986 में, ठीक है, 1986 में गौरा देवी को जो है ब्रिक्स मित्र पुरस्कार दिया गया, प्रथम ब्रिक्स मित्र पुरस्कार जो दिया गया था 1986 में ही दिया गया था, गौरा देवी को दिया गया था। गौरा देवी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1925 में, ठीक है, चमोली में, ठीक है, चमोली में इनका जन्म हुआ था 1925 में, आपको याद रखना है। और चिपको वुमेन भी इनको को कहा जाता है, चिपको आंदोलन में इनका अहम रोल था, ठीक है। अगला है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की, तो 1967 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विभाग की स्थापना की, ठीक है। और बात करें पर्वतीय विकास निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है, दोनों सेम टाइप के हैं, कंफ्यूज मत होना। पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1967 में और निगम की स्थापना हुई थी 1971 में। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है, इसको इसके जो लीडर थे जो है वो थे गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने इनको लीड किया था, ये जो था अंग्रेजों के खिलाफ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब छेड़ा था गांधी जी ने, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1965 में। नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है UKSSC ने डिलीट कर दिया था, क्वेश्चन गलत है ये, ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 48वां क्वेश्चन है, यदि LT का कूट लेखन 240 है तो MD का कूट लेखन होगा, तो यहाँ पर देखिए L कौन से स्थान पर आता है, 12वें स्थान पर, और T आता है 20वें स्थान पर, इनका मल्टीप्लाई कर दें अगर तो ये होता है 240, ठीक है, और SE जो है M आता है 13वें स्थान पर और D आता है 4th प्लेस पर, तो ये होगा 13×52, ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट है, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है, तो जेलंग पर्वत शिखर स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए परीक्षा वाणी में चमोली दिया है, लेकिन जो UKSSC ने उसने उत्तरकाशी को राइट आंसर माना है, ठीक है, तो आपको राइट आंसर उत्तरकाशी याद रखना है। 50वां क्वेश्चन है, एक स्टेप फॉन्ट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है, तो एक स्टेप बढ़ाने के लिए है Ctrl+, ठीक है, कोष्टक, और
कंट्रोल प्लस क्लोज कोष्टक, अगर एक स्टेप हमें घटाना होगा तो क्या है ओपन कोष्टक, कंट्रोल प्लस ओपन कोष्टक है इस टाइप से, आपको याद रखना है ये घटाने के लिए और ये बढ़ाने के लिए। अगला है खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये क्या था मेजर जनरल जिलपसी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में स्थित है कीर्ति ग्लेशियर। 53वां क्वेश्चन है ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है, तो ब्लू हार्ट अभियान जो है किससे संबंधित है, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं में कहाँ स्थित है, तो बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। और आपको दो मंदिर और याद रखने हैं चंपावत में, माँ बाराही देवी का मंदिर, ठीक है, और दूसरा है पूर्णागिरी मंदिर। अगला है सनत के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है, और हर्षवर्धन के टाइम पे चीनी यात्री हेंग सांग जो है भारत आया था। अगला है हेंग सांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्णन नाम है, तो गोविषाण का नाम जो है, गोविषाण का वर्तमान नाम जो है वो है काशीपुर, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए एग्जैक्ट काशीपुर नहीं है, ये पूरा एरिया है, देखिए इस पर कुछ भाग आ जाता है, पूरा यूपी का भी थोड़ा पार्ट आता है, तो अभी का इसको काशीपुर मान के चलते हैं और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे, तो वो थे रणबहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये कब किया था 1890 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को पहुंचा, ठीक है, तो ये प्रारंभ होता 12 मार्च 1930 और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है, तो ये किसकी रचना है, ये है उमादत्त शर्मा सतीश की रचना, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रेक इवन बिंदु है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वह पॉइंट होता है जहाँ पर ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वह स्थिति जब फर्म में ना लाभ हो ना हानि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ जैसे हम देखें, ठीक है ये जो है, ठीक है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है ये, ठीक है क्यों है ब्रेक इवन पॉइंट, देखिए इसमें क्या हो रहा है जितना हमारा लागत है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है क्योंकि अगर जितना हम लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, उस स्थिति में ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। अगला है टिहरी के परमार वंश में 55वां राजा के नाम है, तो परमार वंश का 55वां राजा कौन था, सुदर्शन शाह, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परमार वंश में टोटल 60 राजा थे, ठीक है 54 तो टिहरी रियासत से पहले थे, उसके बाद 6 थे, तो टिहरी रियासत के पहले राजा भी जो थे सुदर्शन शाह ही थे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, तो देखिए यहाँ पर ई बनाया है और फिर एन है, ठीक है और फिर ये ऐसे है, ये फिर एन को यहाँ पर पलट दिया गया है, उसी प्रकार एफ है तो एफ का एक तो इधर को जाएगा, ठीक है और ये होता है एम को पलटने पर ऐसा ही बनेगा, ठीक है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला है पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था 1887 में, ठीक है, 1887 में अल्मोड़ा में हुआ था इनका जन्म। डीएनएस का पूरा नाम पूछा गया था, तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मनोदय में, ठीक है, मनोदय जो कहा भी है इसमें जो है ये उल्लेख है, और ये किसकी है, ये है कवि भरत की रचना है, ठीक है, कवि भरत की। अगला है हमेल है, तो हमेल क्या है, तो हमेल जो है सिक्कू की बनी गले में पहनने वाली माला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झाली माली देवी की पूजा प्रसिद्ध पांडुलिपि का पता लगाया, तो ये किसने लगाया था, ये लगाया था यशवंत सिंह कटोच ने, ठीक है, यशवंत सिंह कटोच की एक पुस्तक है, आपको याद होगा, याद होना चाहिए, क्या है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो ये फेमस बुक है, तो आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला पूछा जा अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है, तो अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध है बृहस्पति से, ठीक है। देखिए आपने आपने अगर इंग्लिश में इसको पढ़ा होता तो जैसे जुपिटर कहते हैं बृहस्पति को, तो जूनो जुपिटर सेम लग रहा है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते थे, इसलिए बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था, तो उत्तराखंड में वैदिक कालीन में त्रिशु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पी। अगला है मेसोपोटामिया के हथियार बने थे, तो किसके बने थे, कांसा के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 1814 में, देखिए एग्जैक्ट 1814 में वो युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1814 से, तो ये तो बहुत चला उसके बाद, तो इसका राइट आंसर वैसे 1814 दिया है आयोग ने, तो 1814 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लोकतक झील जो है वो कहाँ है, तो लोकतक झील जो स्थित है वो है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, तो ये कहा था केसी वियर ने, ठीक है, केसी वियर ने कहा था नीति निर्देशक तत्व हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो जो है उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, ठीक है। अगला है उजेरी या अनेरी होली का संबंध है, तो ये है किस जनजाति से है, यह थारू से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मंत्रालय के अनुसार 2017-18 के लिए भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी 270.49 मिलियन टन, ठीक है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको 2019-20 का याद रखना है, तो 19-20 में था 291.95, ठीक है, ये जो था भारत का टोटल खाद्यान्न उत्पादन था 2019-20 में। अगला है उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, तो देखिए इसमें जो सारे ऑप्शन दिए हैं गलत दिए हैं, इसको डिलीट कर दिया गया था, तो ये की गई थी 26 मार्च 2003 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 26 मार्च 2003 को की गई थी उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा। अगला है 11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा, तो देखिए 11 बजे है, 11 बजे क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है 30 into hour - 11/2 into minute, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो देखिए 30 into hour, नहीं 11 बज के कितना होता है 10:60, ठीक है, 30 into hour 60 - 60, ठीक है, 30 into 10 ये हो जाए 300, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाए 330, तो कितना बचेगा 330 में से 300 माइनस करेंगे तो 30, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 79वां चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा
की मस्जिद में हुई वो था, तो अली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है अंगाली मठ स्थित है, तो अंगाली मठ कहाँ है, ये है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो ये हुआ है दक्कन का पठार, ठीक है दक्कन का पठार का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र के करीब में, पूरा एरिया जो है दक्कन का पठार है यहाँ। अगला है चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा था, तो ये क्या था पारिवारिक पेशा, ये था पारिवारिक पूछा, ठीक है इनका पुरखों ने जो किया था पहले, तो ये क्या था सुनार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो ये हुआ था 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में राष्ट्रीय विकास मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की, तो भारत में की गई थी 1993 में, ठीक है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपको याद रखना है 10 तारीख को, ठीक है 10 दिसंबर को। अगला है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगला है रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई लीलाधर जगोड़ी के द्वारा, ठीक है लिखे लीलाधर जगोड़ी के द्वारा लिखी है रात अभी मौजूद है। लीलाधर जगोड़ी की बात करें तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है और लीलाधर जगोड़ी जो है इनको जो है 2018 में जो है जात सम्मान भी से भी सम्मानित किया था, इनकी जो कृति थी जितने लोग उतने प्रेम के लिए, ठीक है आपको याद रखना 1997 में इनको साहित्य अकादमी भी दिया गया था, ठीक है 1997 में, 1997 में साहित्य अकादमी, 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक है। 87वां क्वेश्चन है रीजनिंग का है, 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था, तो 11 नवंबर 1518 को कौन सा दिन होगा, देखिए इसका डिफरेंस देखिए 400 वर्षों का है, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है डायरेक्ट, देखिए 400 वर्षों में जो होता है रिपीटेशन होता है, ठीक है 400 वर्षों में रिपीटेशन होता है, तो रिपीटेशन मतलब कि जैसे कि 1581 को जो बार होगा, ठीक है वही बार जो है 1981 को हुआ 10 नवंबर को, ठीक है लेकिन यहाँ जो है यहाँ दिया है 11 नवंबर, ठीक है मतलब कि 11 नवंबर यहाँ पूछा है, तो देखिए 10 नवंबर 1581 को तो होगा मंगलवार ही, लेकिन एक दिन 11 नवंबर पूछा तो 11 नवंबर का क्या होगा, बुधवार होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। अगला है अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है, अरुण जखमोला जो है वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी, तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी एन एम जोशी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से भू आबंध पतन है, तो भू आबंध पतन मतलब कि कह रहा है लैंड लॉक, ठीक है लैंड लॉक पार्ट, ठीक है जो सब चारों तरफ से लैंड से गिरा हुआ, तो वो कौन सा है आपको जाना है विशाखापट्टनम, ठीक है देखिए चेन्नई में भी आप देखोगे समुद्र है किनारे है चेन्नई, मुंबई में भी समुद्र है, कोलकाता में भी समुद्र है, तो विशाखापट्टनम जो है ये लैंड लॉक पार्ट है, देखिए अगर लैंड लॉक कंट्री में कहूँ तो सीधे नेपाल जैसे एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1973 में उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 92 का क्वेश्चन है उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, कूपलैंड ने कहा था, तो ये किस आंदोलन के समय कहा था, ठीक है किस आंदोलन के लिए वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है आपको बता दें असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनाया है, तो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया है, अमर सिंह थापा ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बजट 2018-19 के में किस खेती का हरित स्वर्ण कहा है, किसकी खेती को कहा है, बांस की खेती को, ठीक है। नेक्स्ट है वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी 1 जून 2002 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास 420 रुपये सेब हैं, तो उसके पास शुरू में कितने सेब थे? देखिए 420 जो है 40% बेचने के बाद हैं, तो 60% की वैल्यू है 420, ठीक है, तो 100% की हमको वैल्यू निकालनी है, तो माइनस कर देंगे 7×6=42, तो 70 × 10 करेंगे तो 700, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं, तो ये कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए GRC विलियम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गांव ए के उत्तर में गांव बी है, ठीक है, गांव ए के जो उत्तर में है गांव बी है, तो यहां पर देखिए गांव बी यहां पर आ गया, गांव ए यहां पर आ गया, ठीक है, और गांव बी के पूर्व में जो है गांव सी है, इसके पूर्व में यहां पर गांव सी है, और आगे देखिए गांव ए के बाईं ओर जो है डी है, अगर इसके बाईं ओर की बात करें तो यहाँ पर डी यहाँ पर हो गया, तो पूछा है गांव डी का किस दिशा में जो है सी है, गांव डी के इस दिशा में सी है, ये कौन सी दिशा है? ये है उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है, तो ये कौन सी वास्तुशैली में बना है? ऑप्शन नंबर बी, हूण वास्तुशैली में, ठीक है, जौनसार में जो है हनोल मंदिर आपको मासू देवता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है, तो शीतकाल में जो है नरसिंह मंदिर जो है जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।